कश्मीर जाना पड़ता था, सवाल जाना पड़ता था और हुंजा जाना पड़ता था। The way that you say things, I think it's your tone. You still feel bright, not as strong. And very good morning, what's up? This is Samar. Welcome to my YouTube channel, Razak Azmi Vlogs. अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और सीन ऐसा है कि बाहर हो रही है स्नो फॉलिंग। सीन ऐसा था कि मैं स्नो फॉलिंग देखने के लिए मुझे कश्मीर जाना पड़ता था, सवाल जाना पड़ता था और हुंजा जाना पड़ता था। लेकिन मैं जितनी दफा भी स्नो देखने हुंजा गया, इवन एक्सट्रीम विंटर में भी मुझे कभी लाइव स्नो फॉलिंग नहीं मिली। यूके आए और यूके भी आए ताकि लाइव स्नो फॉलिंग मिल जाए, लेकिन वो भी ना मिली। फर्स्ट टाइम एक महीने 15 दिन के बाद मुझे स्नो फॉलिंग मिल रही है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखकर और बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला हूँ। पूरे यूके में अभी स्नो का स्टॉर्म आया हुआ है, हाई अलर्ट चल रही है हर एरिया में, लेकिन हमारे एरिया में थोड़ा येलो था, रेड नहीं है। लेकिन हम रहते हैं नॉर्थ साइड पर है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हाई अलर्ट नहीं है। मैं एक्साइटेड हूँ सैन से पूछने क्या सीन है। बड़ी ठंड हो रही है भाई, हमारे टू पे जा रहा है इस टाइम ना। असल में इन लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल और मोनोटोनस है, मेरे लिए सुपर एक्साइटेड था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम स्नो देख रहा हूँ। तो आपको स्नो के 120 FPS चेक कराते हैं। How do you love him? The way you treat each other, you need to dub him. When I'm around you, my heart flip. पहुंच चुके हैं लोकेशन पर और यहाँ हो रही है फुल स्टाइट स्नो फॉलिंग। चेक कर रहे हैं आप, मतलब और इस एरिया में जो है ना आपको फील हो रही है कि असल में स्नो हो रही है। नीचे जो है ना वो पानी और बर्फ का मिक्सचर है, इसमें आप स्लिप हो सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। बाकी फिट सीन है। यहाँ पे खेलना है इंडोर टेबल क्रिकेट, काफी टफ है। बाहर पे लगता है तो दो और अगर भागेंगे तो एक, तो टोटल तीन रन हो जाते हैं। वाइड के तीन रन है, सामने का छक्का और आपका भाई सिर्फ 10 रन करके आउट हो गए। 2 घंटे का प्रॉपर क्रिकेट सेशन लगाने के बाद आप वापस जा रहे हैं घर के लिए और बाहर स्नो रुक गई है। अजीब सा मुल्क है, चारों टाइम में जो दिन के चार टाइम में आपको चार डिफरेंट मौसम मिलते हैं। जब आए थे तब स्नो फॉलिंग हो रही थी, अब रुक चुकी है, गाड़ियों पर जम चुकी है, रोड फुल फ्रीजिंग चल रही है, मगर ठंड बहुत ज्यादा कोई नहीं है। पूरा गैंग जो है ना वो जा रहा है कासल अल तायबू की, वहाँ पर है ग्रेव। वहाँ पे थोड़ी देर फातिहा करेंगे और थोड़ा सा वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे क्योंकि व्यू बहुत ज्यादा एक्साइटेड। आप पहुँच चुके हैं और हवा एक्सट्रीमली तेज चल रही है, मतलब और यहाँ का कब्रिस्तान वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो है वो मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, उस साइड पर क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है और ये हमारे तायबू की वन ऑफ द फेवरेट प्लेस थी। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि ये जितना जितनी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर है ना, उसकी एक ही वजह है कि ऊपर है ना ये वाकई एक लिटरली मेस्मराइजिंग सा व्यू आता है। बहुत ज़्यादा हवा होती है तो बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए जाकर फातिहा करते हैं। और तायबू की यहाँ कब्र थी तो ये जो आप मेरे पीछे कब्रें देख रहे हैं ये छोटे बच्चों के लिए है और यहाँ पर बच्चों की कहते हैं छोटे बच्चों के इन्फेंट बेबीज की या थोड़े से बड़े 5 साल तक के बच्चों की डेथ हो जाती है तो उसके पास ये बच्चे हैं। उनको फील हो गया वो दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, उनके पास उनकी डॉल्स, उनके जो जिन चीज़ों से वो लोग प्यार करते होते हैं वो चीज़ें यहाँ छोड़ जाते हैं। मतलब ये एक खूबसूरती है इस मुल्क की कि ये मरे हुए भी बंदों को भूलते नहीं हैं। ये देखें यहाँ पर इसके लिए इसके पास गाड़ी छोड़ दी है, वहाँ उसके इस तरह की चीज़ें। वेदर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हो रहा है, हम निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि हाथ जम चुके हैं। ये तीन चीज़ दिखाने वाले थे, मैंने कहा पहले रुकते हैं और आपको दिखा देते हैं।